मैं नया नया यूके आया तो मैंने देखा कि यहाँ के जितने भी जवान नस्ल है वो सारी की सारी वीकेंड पे क्लब में शराब पी के बाय सड़कों पे लेटी हुई है। तो मैंने ये रियलाइज किया कि ये मुल्क तरक्की कैसे कर रहा है। हमारे यहाँ तो बच्चे पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं, 90% मार्क्स, 100% भी मार्क्स लोगों के आना शुरू हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे इतने भी गोरे हैं मैंने आमतौर पर इतने पढ़ते हुए देखे ही नहीं है। इसी में भी मुझे कोई गोरा अपनी क्लास के अंदर नजर नहीं आया, सारे के सारे या इंडियन थे या पाकिस्तानी या नाइजेरियन थे। इस मुल्क में किसी किस्म के कोई नेचुरल जखायर भी नहीं है, कोई ऑयल नहीं निकला, किसी किस्म की कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुल्क तरक्की कैसे करता है। डेल के अंदर जॉब स्टार्ट की तो मेरा जो ट्रेनर था वो मुझे एक एक चीज हाथ से पकड़ के सिखाता था कि आपने इस पेज को ऐसे खोलना है, टायर को ऐसे लगाना है, और एक एक चीज उसने मुझे हाथ से पकड़ के सिखाया। 10 दफा भी पूछता था तो वो अगेन अगेन मुझे बताता था। शायद पाकिस्तान के अंदर मैं अपने अबू से भी 10 दफा पूछता तो वो आगे से थप्पड़ लगा। अरे हाँ, अगर गली की नुक्कड़ पे एक बिरयानी वाले की बिरयानी बड़ी फेमस है तो वो भी अपनी रेसिपी किसी दूसरे बंदे को नहीं बताएगा, हो सकता है वो रेसिपी अपने दिल और दिमाग में लेके ही मार जाए। तो यहाँ डेल इतनी बड़ी कंपनी है, उसका जो ट्रेनर है वो मुझे एक एक चीज हाथ से पकड़ के सिखा रहा है और अपनी नई जनरेशन को अपना नॉलेज ट्रांसफर करके मरेगा। मैंने ये रियलाइज किया कि हमारे लोगों के अंदर इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है कि कहीं ये मेरी जगह ना ले ले। दोनों में इतनी ज्यादा नहीं है, ये तो 2-3 साल बाद वैसे ही जॉब चेंज करके कोई नई जॉब शुरू कर दे।